4,305 दिन हो गए उनको हारे हुए अपने घर के अंदर। इतना तपड़ है किसी के अंदर, इतना इतना बड़ा कोई माइका लाल है जो इंडिया को, इंडिया के अंदर जाके 314 बोले खेल के कोई टेस्ट जीता है आज तक मुझे एक बार। आप क्या चाहे, आप क्या, ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट प्लेनेट पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू नो पता नहीं कहाँ क्रिकेट हो रही है। भारत ने तो हशर नशर कर दिया है वो बेचारे बांग्लादेश से, यू नो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन वो इसी तरह लगा कि किसी क्लब लेवल की टीम के साथ खेल रहे हैं। टीम इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, डेढ़ दिन के अंदर 4 इनिंग खिला के बांग्लादेश के मुंह पे क्या तमाचा मारा है। बांग्लादेश वही टीम है जो पाकिस्तान को घर आगे झील करके गई है यार, ये औकात रही बांग्लादेश टीम की। इंडिया तो शिकार करने निकला हुआ है, बांग्लादेश जो है वो एवं ही उनके सामने आ गया, वो बड़े फन्ने खा बन के आए थे। सामने बब्बर शेर खड़ा हुआ है, सबको पता था कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से हारेगा, लेकिन बांग्लादेश को बेइज्जत करने में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का है, क्योंकि भाई जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2.0 उनके घर में हराया तो भाई पाकिस्तान शर्म के मारे यही बोल रहा था कि अब बांग्लादेश हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेगा। शांतु साहब ने कहा था 2-0 से हम जीतेंगे, शायद वो समझ रहे थे शायद उनका पाकिस्तान से दोबारा मैच है। वहां पर 2 दिन में मैच खत्म हुआ, तो फर्क आप देख लें इंडिया और पाकिस्तान का फर्क, ये हकीकत है, सच है। पाकिस्तानी टीम ऐसा करो क्रिकेट खेलना छोड़ दो, तुम लोगों की बस की बात नहीं है, ये पकड़ो चूड़ियां, इसको पहनो भाई साड़ी वाड़ी पहनो, तुम लोग ठुमके लगाओ, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। यही बांग्लादेश की टीम थी ना ये जो अभी इंडिया ने भाई बड़ी बुरी तरह से पेला है, बड़ी बुरी तरह से वन साइडेड, डेढ़ दिन के अंदर भाई निमटा दिया बांग्लादेश की टीम। तो टीम 2012 के बाद से भारत अपने कंट्रीज अपने होम टाउन में, बांग्लादेश और इंडिया का जो मैच था वो अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए, जो कि भारतीय टीम ने भतरे की घंटी बजाई है। हमेशा से यही चलता आया कि भारत अपने घर में जो है वो शेर होता है और अपने घर में बुलाकर जो है वो मेहमानों की खातर तवाजो अच्छी तरीके से करता है। वो सारा मैच टेस्ट मैच जो है इसके अंदर सबसे एक जो गैप था वो बारिश का था, और बारिश के बाद इस तरह से कम बैक करना, चीजों को अलाइन करना और फिर उसको परफॉर्म करना, फिर मैच जीतना एक बहुत बड़ी बात है। क्या बात, ये बात है जो हिंदुस्तों आप सबको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज भारत ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश करके रख दिया, यानी भारत ने बांग्लादेश को दूसरा टेस्ट मैच में 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। दोस्तों क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जो भारत ने करके दिखाया, यानी सिर्फ 6 इनिंग में बांग्लादेश को दूसरा टेस्ट मैच हरा दिया। चलिए दोस्तों इस वीडियो पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है जानते हैं और हम आपसे बात करेंगे वीडियो के बाद में। पाकिस्तान में यही फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर्स थे बांग्लादेश के, जो हमसे खेले नहीं गए, हम दो सेशन नहीं खेल पाए उनके खिलाफ, आउट हो गए। इंडिया के खिलाफ वही बैटिंग जो कि यहाँ पर इतने 450 के अगेंस्ट 500 कर दिए थे, वो वहाँ पर 2 सेशन उनको उन्होंने खेलने दिया। तो ये जो फ़र्क है बैटिंग में और बॉलिंग में, जो पाकिस्तान ने उनको मौके दिए और उन्होंने फ़ायदा उठाया उससे, वहाँ पर उनको वो मौके नहीं मिले, उन्होंने डोमिनेट किया खेल, आउट क्लास किया बांग्लादेश को। और जो फ़र्क होता है बेहतर टीमों का निस्बतन कमज़ोर टीमों के साथ मैचेस खेलते हुए, उस फ़र्क को उन्होंने बरकरार रखा है और उन्होंने साबित किया है कि वो 2 WTC के फाइनल खेल चुके हैं, तीसरी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ आप टेस्ट मैचेस खेल रहे होंगे तो आपको 3 सेशन कैसे खेलना है। अगर आप 144 पर, पाकिस्तान ने उनके 26 पर 6 आउट किए, पाकिस्तान उसमें भी उनको दबाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान ने 448 पर इनिंग्स डिक्लेयर की, पाकिस्तान उस टेस्ट मैच में भी नाकाम रहा। जब वो वहाँ पर गए हैं तो 150 रन नहीं कर पाए हैं, 233 पर आउट हो गए हैं। तो अपने रन स्कोरिंग की जो एबिलिटी है एज टीम, उन्होंने उसको किस तरह से बढ़ाना है, 144 पर 6 आउट करने के बाद आपने बाकी 4 विकेटें कैसे हासिल करनी है। अगर आपने अपनी ओपोजिशन को दबाया है, गिराया है, तो आपने उसको दोबारा उठने का मौका नहीं देना, ये चीज़ें किस तरीके से आपने मास्टर करनी। तो इंडिया को क्रेडिट है कि उन्होंने बुनियादी तौर पर, तो उनको इसमें शुरू में भी कोई ऐसा मसला नहीं था कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता, लेकिन जो फर्क था ना बुनियादी तौर पर कि एक अच्छी टीम और निस्बतन कमजोर टीम में जो फर्क है, उस फर्क को बरकरार रखना जीत के साथ साथ अहम होता है जब आप ऊपर खड़े होते हैं, जब दुनिया आपको किसी और तरीके से देख रही होती है। तो उन्होंने उस दोनों चीजों को बरकरार रखा है, फर्क को भी बरकरार रखा है, टेस्ट मैचेस भी आसानी जीते हैं। बिल्कुल सही बात है। सारा मैच टेस्ट मैच जो है इसके अंदर सबसे एक जो गैप था वो बारिश का था, और बारिश के बाद इस तरह से कम बैक करना, चीजों को अलाइन करना और फिर उसको परफॉर्म करना, फिर मैच जीतना एक बहुत बड़ी बात है। ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान जब खेल रही थी ऐसे लगता था कि पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग लाइनअप आ गई है। तो आपने देखा पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश जो भारत ने बांग्लादेश के साथ किया है। दोस्तों पाकिस्तान में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके भारत में आई बांग्लादेश को भारत ने 7 विकेट से हराकर पूरी दुनिया को बताया भारत क्यों दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 टीम है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।